दोस्तों जब पाइल्स मस्से बवासीर यानी हिमरॉइड्स की जब सर्जरी की बात होती है तो काफी सारी कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो मरीज के मन में रहते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ऑपरेशन के बाद जख्म कितने दिन में भर जाएगा, ऑपरेशन के बाद कितने दिन ड्रेसिंग चलेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों के मन में सवाल रहता है यदि पाइल्स बवासीर हिमरॉइड्स यानी हिमरॉइड्स की यदि सर्जरी ऑपरेशन की जरूरत है तो ये जख्म कितने दिन रहता है और कितने दिन में जख्म भरता है, ड्रेसिंग कितने दिन करना पड़ेगा। बहुत ही यूजफुल नॉलेज और डिस्कशन होने वाला है। यदि आपको पाइल्स बवासीर फिशर फिशुला की तकलीफ है तो हमारी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो यदि दोस्तों यदि आपको पाइल्स बवासीर यानी हिमरॉइड की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऑपरेशन अलग अलग प्रकार के रहते हैं जिसमें से जो एडवांस सर्जरीज है जिसमें हम बात करते हैं स्टेपलर हिमरॉइड सर्जरी और लेजर सर्जरी। इसमें दोस्तों जख्म नहीं रहता है क्योंकि जब स्टेपलर गन से हम सर्जरी करते हैं तो ये डोनट जैसा अंदर से हिमरॉइड के ऊपर से जो ब्लड सप्लाई को रोक देता है, टाइटेनियम पिंस रहती है और ये डोनट बाहर निकल जाता है, लेकिन अंदर जो जख्म है वो दो स्किन आपस में म्यूकोजा अटैच हो जाता है पिंस से, तो यानी कोई ड्रेसिंग नहीं आता, कोई जख्म नहीं रहता ऑपरेशन के बाद। ठीक उसी तरह लेजर सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो लेजर ऑपरेशन में भी हम पाइल्स के मास को और उसका जो ब्लड सप्लाई उसको जला रहे तो इसके वजह से इसमें भी जनरली कोई जख्म नहीं रहता है। लेकिन यदि किसी को पाइल्स की साइज बहुत बड़ी है, ग्रेड 4 हिमरॉइड्स है और लिगाशॉट सर्जरी करनी पड़ती है या फिर ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, तो जब भी बड़े पाइल्स रहते हैं और जब पाइल्स को हम काटते हैं बिना स्टेपलर के या फिर बिना लेजर से जब हम सर्जरी करते हैं तब ऐसे दोस्तों ऐसी ओपन हिमरॉइडेक्टमी सर्जरीज में एक छोटा सा जख्म रहता है जो डिपेंड करता है कि आपको पाइल्स की क्या साइज है। ये जख्म जनरली 10 से 20 दिन में जनरली भर जाते हैं। आमतौर पर ड्रेसिंग की जरूरत आमतौर पर नहीं रहती है, शुरुआत के एक दो दिन में यदि हल्का सा ब्लीडिंग रहता है तो कभी कभार एक दो दिन ड्रेसिंग के लिए जरूरत पड़ती है, आमतौर पर ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा रहता है या दर्द ज़्यादा और आपको पैडिंग की जरूरत है तो ऐसे केसेस में कभी कभी जब ऑपरेशन के बाद जख्म रहता है तो ऐसे केसेस में हम ड्रेसिंग कुछ दिनों के लिए टेम्पररी सुझाव देते हैं। तो इन ऑल अगर मैं आपको बात करूँ तो लेजर सर्जरी स्टेपलर सर्जरी में जख्म नहीं रहता है, ओपन एम्ब्रॉयडेक्टमी सर्जरीज में जख्म रहता है। आमतौर पर जनरली आज के ज़माने में जो सर्जरीज होती है पाइल्स बवासीर हिमरॉइड्स की, इसमें जनरली जख्म नहीं रहता है, इसके लिए मरीज को ड्रेसिंग की जरूरत नहीं रहती है, ना तो ऑपरेशन में कोई घाव ऐसा मेजर रहता है, अगर रहता भी है तो बहुत मामूली सा रहता है जो इजिली और फास्ट हील हो जाता है। ये थी कुछ बेसिक यूजफुल नॉलेज पाइल्स फिशर फिशुला के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको ऑपरेशन की जरूरत है आपको कौन सा ऑपरेशन सजेस्ट किया आपके डॉक्टर ने कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए।